हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर संजीव गुप्ता। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यदि आप 12वीं आपने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, तो आपके लाइफ में कौन कौन से करियर में ऑप्शन आने वाले हैं, या फिर आप उनको जानते हैं तो कैसे अचीव कर सकते हैं। ये टाइम सबसे क्रुशल टाइम होता है, 12वीं के बाद ये डिसाइड करना बहुत ही टफ होता है कि हम अपने लाइफ को, अपने गोल को कैसे अचीव करें। गोल को अचीव करना सबसे टिपिकल चीज होता है, उसमें अपने करियर को बनाना होता है, फाइनेंशियल भी सपोर्ट चाहिए, हमें हर तरह के सपोर्ट के लिए चाहिए, तो उसके लिए हमारी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब के लिए सबसे जरूरी काम है कि आपका गोल, आपका करियर कैसे डिसाइड करना है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम 12th के बाद कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करें जो आपको आने वाले टाइम में आपके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो। हमने यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड, हमने राइट साइड हमने गोल्स, कितने टाइप्स के गोल्स आपके हो सकते हैं। राइट साइड हमने किया है कि आप अपने करियर में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। एजुकेशन, आप अपने करियर के टॉप पोजीशन में पहुंचने के लिए एजुकेशन आज के टाइम में बहुत ही जरूरी हो गया है। एजुकेशन के साथ साथ आपकी लाइफ में या आपको इंटरेस्ट किस में है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपका गोल्स क्लियर होना चाहिए कि आप किस टाइप के गोल्स के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपका विजन, आपके लाइफ में विजन, कि आपका विजन ऐसा होना चाहिए कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद आप क्या अचीव करना चाहते हैं या आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इस तरह से आपका विजन होना चाहिए। विजन में दूरदृष्टि, आपका दूरदृष्टि कैसा है, ये सब डिपेंड करता है कि आपके गोल्स कैसे आपने डिसाइड किया हुआ है। उसके साथ साथ आपको अपने आप में ट्रेनिंग, आप अपने आप को हमेशा ट्रेन करना पड़ेगा, आपके अपने नए नए स्किल्स को जनरेट करना पड़ेगा, तो आप अपने करियर की जो भी अचीव करना चाहते हैं आप इजीली अचीव कर पाएंगे। गोल्स, जब भी आप गोल्स को डिसाइड करें, यदि पहले हमने लिखा करियर गोल्स, वे फाइनेंशियल गोल्स, स्पिरिचुअल या मोरल गोल्स, सोशल गोल्स एंड पर्सनल गोल्स, ये सारे गोल्स को आपको डिसाइड करना बहुत ही टफ होता है। कई बार होता है कि करियर को आगे बढ़ाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पर्सनल, अपनी लाइफ कैसी है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, जैसे आपकी फैमिली प्लानिंग, शादी करनी है, ये सब चीजें आपकी इधर पर्सनल गोल्स होती हैं। हम करियर में कई बार ऐसे भूल जाते हैं, या फाइनेंशियल को इतना ज्यादा हम वैल्यू दे देते हैं कि हमें अपनी सोशल गोल्स की, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, सब भूल जाते हैं। आप अपने लाइफ में गोल्स, दैट स्पिरिचुअल या मोरल गोल्स, आप आध्यात्मिक की तरफ भी अपने आप को एक गोल्स डिसाइड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको करियर गोल्स करना है, करियर में आपको आगे कितना बढ़ना है, फाइनेंशियली आपको कितना स्ट्रांग होना है, पर्सनली आपको अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, दैट इज सोशल, आपकी जिस सोसाइटी में रहते हैं तो उसको रिटर्निंग करना, ये भी आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आध्यात्म, जिससे आपको मन शांति रहे, वो भी आपके लाइफ में एक गोल्स की तरह ही होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप अब 12वीं के बाद ये डिसाइड करें, तो आप हमेशा ये सब चीजों को, टफ क्या होता है कि जैसे हम 12वीं के बाद जब कॉलेज में पहुंचते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है, हम फ्रेंड सर्कल के चक्कर में ये सब भूल जाते हैं कि हम कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और हमारा आने वाले टाइम का विजन क्या होना चाहिए। उस विजन को फाइंड करने के लिए आपको अपने आप को कैसी ट्रेनिंग देनी होगी, या कौन सा स्किल सेट आपके कैरियर को आगे बढ़ाता है, ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। तो जब भी हम 12वीं पास होने के बाद, सबसे टफ चीज होता है ये डिसाइड करना कि हम कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करें जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। हमने पहले लिखा है कि एजुकेशन के साथ आपका इंटरेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जब भी किसी गोल को डिसाइड करना होता है। यदि आपका इंटरेस्ट आपके हिसाब से नहीं है तो गोल्स को अचीव करना बहुत ही टफ होता है, और उसमें अपना विजन बनाना उसमें और भी टफ हो जाता है। क्लियर? तो हम आगे देखने वाले हैं कि 12th के बाद आपके लाइफ में कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 12वीं के बाद अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, तो आप एनडीए डिफेंस अकेडमी जा सकते हैं, जिसमें आर्मी हो सकता है, एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जो आपको बहुत सारे ऑप्शन एक साथ क्रिएट करता है। मैं आपसे आगे बात करने वाला हूँ कि यदि आपने इंजीनियरिंग फील्ड को चूज किया तो आपके लाइफ में और कौन कौन से ऑप्शन एक साथ जनरेट हो सकते हैं। दूसरा, तीसरा ऑप्शन है बीएससी,
बैचलर ऑफ साइंस, बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होटल मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बीसीए, बीबीए, फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, इंटीग्रेटिव कोर्सेस मतलब होता है कि डुअल कोर्स, बीएससी प्लस, या आपने इसके साथ जैसे बीएससी प्लस एमएससी, इंजीनियरिंग प्लस एमटेक, इसको इंटीग्रेटिव कोर्स करते हैं, या इसको डुअल डिग्री भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप 12वीं के बाद चूज कर सकते हैं। इन सब में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यदि आपने इंजीनियरिंग फील्ड को चूज किया तो आपके लाइफ में और कौन कौन से ऑप्शन क्रिएट हो सकते हैं। बीटेक, बी या बीटेक, ये एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसके वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन एक साथ आते हैं। अगर आप, हमने इसको सिर्फ इंजीनियरिंग ना सोच के ये माना कि ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जैसे सारे कोर्सेज आपके हैं, जैसे बीएससी को हमने एक माना ग्रेजुएशन कोर्स है, बीआर को माना, बीबीए को माना, बीएससी को माना, बीसीए को माना, वैसे अगर आपने बीटेक को भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स माना। यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कि इंजीनियरिंग के बाद आपके लाइफ में इतने सारे ऑप्शन होते हैं। एक पहला एग्जांपल आपके पास यही है कि आपने बीटेक को सिंपल एक ग्रेजुएशन माना, वो सारे गवर्नमेंट की एग्जाम जिसमें सिर्फ आपसे बोलता है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ वो सारे एग्जाम में एपीयर हो सकते हैं। बस इंजीनियरिंग करने का सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये आपके लाइफ में एड होता है कि वो सारे एग्जाम में आप एपियर तो होते ही हैं, प्लस इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्स होते हैं या जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में आप एपियर हो सकते हैं। बस डिफरेंस यही होता है कि आपने बीएससी, बीबीए या अदर कोर्सेज किया तो आप इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जाम में एपियर नहीं हो सकते, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद आप वो सारे एग्जाम में एपियर हो सकते हैं जो आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में किया है। जैसे हमने किया, इंजीनियरिंग के बहुत बड़े एग्जामों में से एक एग्जाम होता है आईएएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एमबीए, या आपने कैट का एग्जाम निकाला तो आप आईएएम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए करने के बाद एमबीए कर सकते हैं। एमटेक, यदि आपने गेट क्वालिफाइड किया तो अगर आप लोग को टीचिंग फील्ड में जाना है या रिसर्च फील्ड में जाना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है एमटेक करना। अगर आपने गेट क्वालिफाइड किया है तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देती है, एमएचआरडी आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है पर मंथ हिसाब से, अभी के हिसाब से जो चल रहा है 12,400, 12,400 रुपये पर मंथ दे रही है। अभी आप जितने भी आप एग्जाम्स देखो, बैंक सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जामों में से, हाईलाइटेड एग्जामों में से है। तो यदि आपने देखा होगा कि जितने नए एम्प्लॉय हो रहे हैं, लगभग अप्रोक्सीमेट 20 to 30% एम्प्लॉय जो इंजीनियरिंग फील्ड से होते हैं। गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा, अगर गवर्नमेंट जॉब में अभी जो बच्चे एपियर हो रहे हैं या क्वालिफाइड हो रहे हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड के होते हैं। आने वाले टाइम में सबसे बड़ा एक ऑप्शन आने वाला है दैट ई लर्निंग। जैसे ही सिचुएशन आपके लाइफ में चेंज होगा उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस या ग्रोथ रेट आपको इंक्रीज करने वाला है ई लाइन, ई लर्निंग। यदि आपने अपने लाइफ में ऐसे चीजों को ऐड किया, अपने फ्रेंड सर्कल को मिला कि आपने एजुकेशन को ऑफलाइन की बजाय या ऑनलाइन को कोर्स करने की कोशिश की, या जो जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन, ये सारे चीजें होते थे ई लर्निंग। आपने ई लर्निंग में, या आपने कोई भी चीज जैसे आईआईटी जेई का कोर्स कराना हो, या एसएससी का कराना हो, या आपने कोई भी एग्जाम कराना हो, आप किसी भी चैनल में आप जैसे जाते हैं, जैसे यूट्यूब में आप एप्टीट्यूड पढ़ना चाह रहे हैं, दैट ई लर्निंग, ये सारे चीज कहलाते हैं ई लर्निंग। रेलवे, इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन दैट रेलवे, एक तरह से ये जॉब, ड्रीम जॉब होता है हर इंजीनियर्स का कि रेलवे में सिलेक्शन हो जाए। रेलवे में दो तरह के कोर्स सेक्शन होते हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर एंड सेक्शन इंजीनियर। वो दोनों कंडीशन में रेलवे में इंजीनियरिंग के बेस में आप जॉब को पा सकते हैं। एसएससी, रिसर्व स्टॉप सिलेक्शन कमीशन, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, और बहुत से एग्जाम होते हैं जिसमें आप 12th के साथ साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ भी आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। सारी जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका अपना खुद का एग्जाम होता है, स्टेट पीएससी, जैसे एमपी का एमपीपीएससी, यूपी का यूपीपीएससी, हरियाणा का एचपीपीएससी, ऐसे बहुत से एग्जाम, सारे स्टेट अपने खुद के एग्जाम लेते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद आप उस फील्ड में अपीयर हो सकते हैं। इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जितने भी पीएससीज में है उन सब में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आप इंजीनियरिंग के साथ साथ आप उसमें जा सकते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग के साथ आप इसमें अपनी अपीयर हो सकते हैं। जितने भी स्टेट पीएससी होते हैं उन सब में दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा आप होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज
में सिर्फ इंजीनियर्स ही एपीयर हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव में वो सारे लोग एपीयर हो सकते हैं जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ है। यूपीएससी यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है। जैसे सिविल सर्विसेज अभी के ट्रेंड में अगर टॉप 10 की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको अभी सिविल सर्विसेज में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मिल रहे हैं। आज से अगर कुछ साल पहले जाएं तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज में एपीयर होना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि तो जनरली होता था कि ये इंजीनियरिंग बच्चों के फील्ड का नहीं होता। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हुआ, तो अभी सिविल सर्विसेज में टॉप 10 की बात करें तो हमेशा उसमें 3, 4, 5 स्टूडेंट इंजीनियरिंग के होते हैं। इंजीनियरिंग करते करते सबसे बेस्ट एक ऑप्शन आता है कॉलेज कैंपस। यदि आपने अपने आप को प्रिपेयर किया तो कॉलेज में लगभग 30-40% स्टूडेंट कैंपस में प्लेस हो जाते हैं। यदि आपको फॉरेन स्टडी के लिए करने जाना है तो एमएस मास्टर ऑफ साइंस, तो फॉरेन स्टडी करने के लिए बीटेक के बाद बेस्ट ऑप्शन मिलता है अदर ऑप्शन है कि आपके बहुत सारे कॉलेजों में आर्मी नेवी ये डायरेक्ट आपको इंटरव्यू लेती हैं और उसी बेस में आपका सिलेक्शन कर लेती हैं। तो ये तो बहुत सारे ऑप्शन आपके लाइफ में और हैं। जैसे किसी भी सेक्शन में जाना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, जैसे बीटेक डिग्री है, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बढ़ती हैं, ना कि आपकी घटती हैं। तो इंजीनियरिंग करने का ये हमने बहुत सारे फायदे आपको बताए हैं। इसके साथ साथ यदि आप इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्रिपरेशन हैं जिसको आप करते हैं। जैसे गेट गेट का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के साथ, जो आपको फाइनल ईयर में बच्चों के लिए होता है। आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे आने वाले टाइम में, गेट से कितने सारे आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें जैसे BHL, NTPC, गेल, ये बहुत से जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयों के लिए पहले ये अपना खुद के एग्जाम देती थी, लेकिन आजकल गेट के थ्रू डायरेक्ट ये इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग फील्ड एक ऐसा प्रोफेशनल फील्ड आने वाले टाइम में होने वाला है कि जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएगा। इंजीनियरिंग का सीधा सा मतलब होता है क्रिएटिव। यदि आपके माइंड्स में क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं, यदि आपको फिजिक्स बहुत अच्छी लग रही है, आपको मैथ अच्छी बहुत लग रही है, तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग फील्ड चूज करना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसके साथ साथ हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि यदि आपने इंजीनियरिंग फील्ड चूज किया तो आपके लाइफ में और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, या ब्रांच कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।